दोस्तों नमस्कार। ये मैंने आज बनाऊंगी मंचूरियन पत्ता गोभी। एक पत्ता गोभी ले लिया और आधा शिमला मिर्च ले लिया, तीन चार मिर्ची ले लिया और ये पैकेट वाला मंचूरियन है चाइनीज़ वाला, ये ले लिया। एक टमाटर ले लिया, इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। अब मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, ऐसे ग्रेटर में भी कर सकते हैं, तो मैं ग्रेटर ले लिया, इसमें कर लूँगी अभी। देखिए मैंने ये ग्रेट कर लिया, आधा ग्रेट करी और आधा चॉप कर लिया बारीक। इसको इसमें 2 चम्मच नमक दूँगी और अदरक लहसुन मैंने ग्रेट कर लिया, इसको मिक्स करूँगी। और ज़्यादा नहीं, एक हरी मिर्ची एक चप करके डालूंगी इसमें। फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालूँगी और मैदा भी नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी इसमें राइस पाउडर 2 चम्मच और बेसन 1 चम्मच डालती हूँ। बेसन और राइस पाउडर इसको मिक्स कर लेती हूँ। फिर पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद और 1 चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई पानी वानी का ज़रूरत नहीं है इसमें, पानी धीरे धीरे छूटेगा थोड़ा। राइस पाउडर में थोड़ा सा क्रंची सा हो जाता है। देखिए इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कैबेज में जो है ना, कैबेज में थोड़ा ज़्यादा कभी कम पानी निकलता है, इसमें थोड़ा सा। इसको छोटे छोटे बॉल बना लेंगे हम। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, ज़्यादा भी बेसन की ज़रूरत नहीं है। देखिए एकदम आटा की तरह इसको गूंद लेंगे। फिर इसका थोड़ा सा बॉल बना लेंगे छोटे छोटे करके, इसको ऑयल में तल देंगे। देखिए इस तरह सारे बॉल्स बना लेंगे इसमें। देखिए इसमें हमने ये बॉल्स बना लिया एक एक करके। इसमें अभी कढ़ाई रख दिया, इसको गैस ऑन कर देंगे, हाई फ्लेम में रखेंगे पहले। फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने रख दिया, मैं अभी काटूंगी और उसकी तैयारी करूंगी। जो हमारा ग्रेवी में डालेंगे ये हम अभी पानी से घोल के रख देंगे पाउडर। और ये प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन के लिए बारीक चॉप कर लेंगे। अभी तेल गरम हो गया एकदम, ये 2 BH में हमने इसको तल लेंगे। अभी
इसको मैं अभी घोल के रख दूंगी कटोरी में। ये चाइनीज पाउडर है, मंचूरियन पाउडर रेडीमेड में मिल जाता है, घर में भी बना सकते हैं। इसको घोल के हमने साइड में रख दिए। अब पकौड़ियाँ तल रहे हैं अभी। मैं एक ही बार में तल के निकाल लूंगी, थोड़ा हाई में रखा था, अभी थोड़ा स्लो कर देंगे इसको। दोबारा तलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोबारा में ज़्यादा तेल खा पी लेती है, तो इसलिए एक ही बार में इसको कलर दिया। थोड़ा फ्लेम को लो कर दीजिएगा तो अच्छी तरह सेक जाएगी दूसरी साइड। देखिए, ये जो पत्ता गोभी का पकौड़े हैं एकदम होने लग गया है। इसको थोड़ा तेज करके और पलट के इसको निकाल लेंगे। मैंने दूसरी कढ़ा रख दिया, कढ़ाई गरम हो गया। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच, 2-3 चम्मच ऑयल। फिर इसमें ये सब चीज काट लिया मैंने बारीक बारीक, इसको डालूंगी लहसुन। बाद डालूंगी प्याज, मैं टमाटर भी डालती हूँ उसमें, तो टमाटर ये हरी मिर्ची डाल दिया, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। फिर इसमें टमाटर डाल दिया, कैप्सिकम डालिए। फिर इसमें 1 चम्मच नमक डाला, फिर इसमें आधी कड़छी वो डाला टमाटर सॉस। फिर इसमें आधी चम्मच ब्लैक पेपर, अजीनोमोटो डालूंगी आधी चम्मच, छोटी स्पून है, ज्यादा बड़ी नहीं। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे।
फ्लेक्स नहीं डालना है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची काट के डाल दिया। जिनको ज़्यादा मिर्ची खानी है तो चिली फ्लेक्स डालें, कलर भी उसमें आ जाती है थोड़ी सी। और ये हमने वो मंचूरियन का पाउच जो था उसको मिक्स करके थोड़ा सा घोल के रख दिया था, ये मैं इसमें डालूँगी अभी। तेज फ्लेम कर दीजिए। फिर इसमें और एक गिलास पानी डालेंगे। बस इसको उबाल आ जाए फिर हमने इसमें पकौड़ियाँ तल के रख ली। ये देखिए कैसे क्रंची सा हो गया एकदम। अवल देखिए इसको जब उबाल आएगा तब डालेंगे। जिनको ज़्यादा थिक पसंद है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं घोल के। इसका उबाल आ गया, अब और थोड़ी देर में हमने इसको पकोड़े डाल के रखा था 2 मिनट बाद डाल देंगे। ये हमारा पकौड़ियाँ हैं, इसको भी 2 मिनट हो गया, इसमें डाल देते हैं। अच्छा है, आप बनाइएगा, खाइएगा, खुश रहिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।